कल्पान नवरात्र महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है जो श्वास बाहर आ रहा है उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। दोनों श्वासों के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूब जाना है। शरीर की संवेदनाएं जागृत होती हुई तरंगे और जागृत अनुभूतियां और ये ऊर्जा पूरे शरीर के रोम रोम में बढ़ती चली जाए। एनर्जी का प्रसार सही के रोम रोम में होता चला जाए और ऊर्जा के अनुभव के साथ अनंत गहराइयों में इन ऊर्जा की तरंगों के साथ डूबते जाना है। गहरी शांति में
गहरे आनंद में डूबते जाना है। और आज नवरात्रि का पांचवा दिन, स्कंद माता की उपासना स्कंद कुमार कात्के और इनकी माता होने के कारण माता को स्कंद माता कहा जाता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली स्कंद माता को मन मंदिर में जागृत करना है। स्कंद माता जिसकी चार भुजाएं हैं एक हाथ में कमल का पुष्प है तो एक हाथ बर देने के लिए तैयार है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। ऐसी देवी के दर्शन महाशक्ति के दर्शन चार भुजाओं वाली महामाया स्कंद माता जिसकी भक्ति और आराधना समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती है मृत्युलोक अर्थात इस भौतिक जगत में भी परम शांति और परम सुख का अनुभव होने लगता है। और मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है। स्कंद का नाम आने से उनकी भी आराधना स्वयं हो जाती है। और सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से संपन्न हो जाता है।
भौतिक जगत से भवसागर के दुखों से मुक्त होकर सुख शांति मोक्ष का मार्ग बनाने के लिए माँ स्कंद माता का ध्यान ताकासुर नामक राक्षस ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और शिव पुत्र से मरने का वरदान पाकर चार तप पतंग फैलाने लगा। तो सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। और कार्तिकेय ने ताकासुर का वध किया। तो उस स्कंद की माता कार्तिकेय की माता अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति नवरात्रि के 9 दिन और 3 मूलिक गुणों से बने इस ब्रह्मांड में आनंदित रहने का एक अवसर हमारे जीवन इन 3 गुणों के द्वारा ही संचालित है। उन गुणों को हम कम ही जान पाते हैं, कम ही पहचान पाते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण के हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण और आखिरी 3 दिन सात्विक के लिए हैं। हमारी चेतना 6 महीने तक तमोगुण में रहती है। उस तमोगुण को शांत करने के लिए नवरात्रि पहले 3 दिनों में शोधन रजोसरी शुद्धिकरण में आ जाता है तो फिर रजोगुण शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे मन भी चेतना भी शांत होने लगती है, आनंदित होने लगती है, सतोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी चेतना की यात्रा
अंत में खिले हुए गुलाब की तरह आनंदित होती है। और तमो गुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में बहती हुई आनंद शांति और मोक्ष को प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा सब तत्व में प्रवेश करती चली जाती है और तमोगुण से सत्वगुण तक पहुंचना यही हमारी विजय है। और इसीलिए दशमी को फिर दशहरा बनाया जाता है, विजय दशमी। 9 दिन की आराधना से हम अपने तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करके विजय प्राप्त करते हैं। अगर साधक कुछ ज्यादा भी नहीं कर पाता तो कम से कम इन 3 गुणों में एक संतुलन तो पैदा कर ही देते हैं। और वातावरण में अपने आसपास सत्व के तत्व को बढ़ा देते हैं। नवरात्रि, नवदेवी, सत्य और असत्य की लड़ाई, अच्छे और बुरे की लड़ाई, देव और राक्षसों की लड़ाई, जो निरंतर हमारे अंदर चलती रहती है, बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देवासुर संग्राम निरंतर हमारे अंदर चल रहा है। और निरंतर महामाया, माँ भगवती, माँ दुर्गा अनेक रूपों में इन राक्षसों का संहार कर रही है। कई बार राक्षस विजयी हो जाते हैं, हमारा मन और बुद्धि विचलित होने लगती है। क्योंकि उस पल हमारी नकारात्मकता
अर्थात राक्षसों का प्रभाव बढ़ चुका है। हमारे अंदर के राक्षस जागृत हो चुके हैं। हमारे नकारात्मक भाव, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार और यही सारे राक्षसों का युद्ध और इनसे विजय प्राप्त करने के लिए साधना देवी शक्तियों की शरण में ध्यान के द्वारा माता स्कंद का ध्यान, स्कंद माता की महिमा, स्कंद माता का दर्शन अपने मन मंदिर में समाज शक्तियों की जागृति समाज शक्तियों की उत्पत्ति समाज देवी देवता जागृत हो रहे हैं। ती शक्ति काली दुर्गा सरस्वती ती देव ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश भैरव हनुमान अष्टलक्ष्मी 10 महाविद्याएं नवग्रह पंचलोकपाल 10 दिग्पाल पितृ देवता ग्राम देवता सभी इस मंदिर में जागृत हो चुके हैं। और सभी साधक भी अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। स्वयं को आसन पर विराजमान देखें। मझवाला की ज्योति निरंतर जल रही है और वायु रूपी धूप अपने खुशबू को पूरे ब्रह्मांड में फैला रही है। सभी साधकों के पास जो हवन कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है।
माँ ज्वाला की ज्योति हमेशा अग्नि के रूप में प्रज्वलित है और दिव्य सामग्रियाँ सबके पास रखी हुई हैं। इन दिव्य सामग्रियों से हवन करेंगे। सबसे पहले गणेश मंत्र से ओम गणेशाय नमः से 5 आहुतियाँ देंगे। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। 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 उसके बाद गुरु मंत्र की 5 आहुतियाँ। ओम अलक्षप सूपी जगतेश सतगुपमात्माय नमः स्वाहा। 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 ओम नमः शिवाय से 5 आहुतियाँ। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 दुर्गा मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः से 5 आहुतियाँ। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। 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 पांच आहुतियाँ सभी ग्रहों के नाम की। ओम नवग्रभ्यो नमः। ओम नवग्रभ्यो नमः स्वाहा। 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 आज ओम हिंकलिंग चामुंडा विच्चे की भी 5 होते देंगे। ओम हिंकलिंग चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। 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 और अंत में स्कंद माता के 11 आहुतियाँ। ओम ऐं हिंकलिंग स्कंद माताय नमः स्वाहा। 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 अंत में ओम शरण नमः से 5 होतियाँ। समस्त ज्ञान देवता, समस्त पितृ देवता, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त देवी चेतना, समस्त गुरु, समस्त ऊर्जाएं, समस्त शक्तियाँ। ओम शरण नमः स्वाहा। 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 हवन करने के बाद जो ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास, उन तरंगों का एहसास और उस पल इस ऊर्जा का आनंद लें, इस ऊर्जा का साक्षी बने।
अद्भुत ऊर्जा शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। शरीर का रोम रोम इस ऊर्जा से भरता जा रहा है और अद्भुत गहरी अनंत तरंगों की अनुभूति उन तरंगों की अनुभूति करते हुए मन में प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, समस्त देवी शक्तियों, समस्त देवी चेतनाओं, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पूजा जप तप नियम कर्म धर्म हम कुछ नहीं जानते, और हम अपने सच्चे हृदय से जो भी जैसा भी जिस भी भाव से कर रहे हैं उसको तुम स्वीकार करो। और इस सारे संसार पर अपनी कृपा बरसाओ, सबको शांति आनंद सुख समृद्धि और गहरी शांति प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाते हुए आशीर्वाद लें और महसूस करें कि समस्त शक्तियों ने आपके सर पर हाथ रख दिया है और वो आशीर्वाद दे रही है कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।
किसी साधक को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही।